वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों सुबह सुबह मुझे अपडेट देकर के आना पड़ा है। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स थे, जो जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं, न्यू जॉब अपडेट है, आज का लेटेस्ट अपडेट है। टोटल जो जॉब है फुल टाइम 749 प्लस है। आइए देखते हैं इस वीडियो में फुल टाइम जॉब जो है आपका गवर्नमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपको एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी बातों पे डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि जितने लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। हमारा और अड्डा का कटिबद्धता यह है कि दोस्तों हर एक जॉब पर हर एक जानकारी सबसे सटीक और सबसे पहले देना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। जब मैंने देखा इस नोटिफिकेशंस का, तो सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चों को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। देखिए सबसे पहले तो हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं यार। देखिए रूरल डिपार्टमेंट में यहाँ इस वैकेंसीज का नाम है UKPSC JE 2021 नोटिफिकेशंस। हमारे चैनल पे एक दो दिन पहले बताया गया था इसका नोटिफिकेशंस आएगा और आज देखिए आ गया। तो रूरल डेवलपमेंट में सिविल और सिविल के लिए वैकेंसीज हैं 170, इलेक्ट्रिकल के लिए 9, टेक्निकल के लिए 3 वैकेंसीज। बाकी इरीगेशन डिपार्टमेंट में सिविल और मैकेनिकल के लिए भी है, सिविल 228 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 18 वैकेंसीज हैं। और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 और 20 है। और उसके बाद और मैं आपको बताऊं, एक वैकेंसीज मैकेनिकल में, इसी में 16 वैकेंसीज हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट में सिविल की 21 वैकेंसीज हैं और ड्रिंकिंग वाटर में 79 है और सिविल में यहां पे 136 वैकेंसीज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो वैकेंसीज का भरमार आ गया है भाई, गजब की वैकेंसीज हैं। बट यहां पे एक सबसे बड़ी बात, जो बाकी राज्य भी करते हैं वही यूके उत्तराखंड भी करने वाला है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात है, UKPSC एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इट मींस कि यदि आप इस नोटिफिकेशंस को भरना चाहते हैं तो एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग द कंसर्न स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पॉलिटेक्निक। मतलब ये एक सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आपको इस पर्टिकुलर स्टेट से आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, या नहीं भी हो तो आपका यहाँ से डोमिसाइल हो, एटलीस्ट आप 10th क्वालिफाइड यहाँ से ज़रूर हो। तो ये एक इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो दैट कि अब आप समझ सकते हैं कि अदर स्टेट के लोग किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। आइए इसकी बाकी बातों पे करते हैं। ये देखिए कैटेगरी है इंजीनियरिंग, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आज से शुरू हो रहा है, 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है UKPSC.Government.in पे जा करके 26 तारीख से लेकर 17 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस नोटिफिकेशंस को जारी किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है कि 26 नवंबर से शुरू होगा 17 दिसंबर तक और इस वेबसाइट से आप लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये नोटिफिकेशंस की संख्या इतनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वैकेंसीज है डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए। और मैं तो यूके के एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसके पास वहां का डोमिसाइल है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता ही चल गया। अब एग्जाम पैटर्न भी मैं आप लोगों को लगे हाथ डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा इनसाइड। देखिए जनरल एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी और ये 100 मार्क्स के इस तरह से होते हैं। फिर रिटन टेस्ट आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, पेपर 1 360, पेपर 2 भी 360। अब ये इसके फर्दर डिटेल, मतलब इट मींस आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। और बाकी फर्दर डिटेल पे भी सिलेबस हम बनाएंगे। तो ये रहा आज का अपडेट। तो UKPSC के सारे एस्पिरेंट डिप्लोमा जिनके पास डोमिसाइल वगैरह है, आप लोग एक बार क्या, और इनके वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आज जारी हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो और भी फर्दर डिटेल जानकारी हम आप लोगों को देंगे, आप ये समझ जाइएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तमाम तरह की चीज़ों पे। तो आज के लिए शुक्रिया, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। हाँ, अदर स्टेट के लोग नाराज़ मत हुई, आपके लिए भी वैकेंसीज जब आती हैं तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करता हूँ। 3-4 राज्य को छोड़ करके ज़्यादातर से लोग अपने अपने राज्य का डोमिसाइल मांगते हैं, बस UP, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, यही सारे राज्य ऐसे हैं जो कि बेसिकली ऑल ओवर सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट ओपन कर देते हैं। तो इट्स अ ग्रेट टाइम,
कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने प्रिपरेशंस को जारी रखिए। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप चाहो तो वीडियोस को स्किप कर सकते हैं और आपका हो गया। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ और प्रिपरेशंस करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, दोस्तों हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ हैं, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो हमारे पास, देखिए आपको क्या चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, आपको इसका बैच डेडिकेटेड चाहिए, आपको इसका टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको इसका बुक चाहिए, आपको इसका वीडियो कोर्स चाहिए। तो सिविल और मैकेनिकल के लोग चाहो तो सिविल के लोग मैकेनिकल, सिविल के लोग सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, देखो दो पर, एक 6 महीने का महापैक ₹29 में, जिसमें आपको इसका लाइव स्ट्रक्चर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, बुक और वीडियो कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। वही 12 महीने का महापैक आपको ₹29 का पड़ेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप कोड लगाइए Y201, यू विल गेट द 78% ऑफ। यही कोड है जो आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस कर देगा, वहाँ पे 15,000 दिखाएगा, 12 महीने का तो आपको ₹3500 कर देगा। एप्लीकेशन से करना पड़ेगा तब, आपको याद रखना ऐप से करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाइन वगैरह यूज़ करके ये कोड लगा के कर सकते हैं। मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक आप लोग ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। इसमें ऐसा नहीं कि यूके का ही बैच मिलेगा, यूके का बैच आ ही जाएगा, आपको एसएससी का भी बैच मिल जाएगा, एनएचपीसी का भी बैच मिल जाएगा, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक, जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग जॉब्स गवर्नमेंट से संबंधित आएंगे जेई और एई लेवल पे, सभी बैचेस का, अगर मैकेनिकल का आता है तो मैकेनिकल के महापैक में मिल जाएगा, सिविल का आता है तो सिविल के महापैक में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ कवर है। और इनफैक्ट मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें पुराने जितने भी कोर्सेज हैं उनका भी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको ग्रैब कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो अब इसका फर्दर डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, इंतजार करिए नेक्स्ट अपडेट का। थैंक यू, और आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वी विल हेल्प यू। आपको जितना हो सकेगा इंजीनियर अड्डा हेल्प करेगा हर तरह का।